السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूँ शेख रिजवान, मीडिया सेल प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट, वीआईपी ह्यूमन राइट्स. आज यहाँ पर हमारे ऑफिस पर कंप्लेंट आई है. ये लोगों को चार से पांच पार्टनर है, लोग इनको धोखा दिया गया और इनके कई पार्टनर्स जो है परेशान हैं. पिछले कई दिनों से इनको जो है धमकियां दे रहे हैं और बताया गया है कि लाखों रुपए इनके लूट लिए गए, तो ये लोग बहुत परेशान हैं. तो हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली को इनका कंप्लेंट लिया है. तो इनका नाम है मसीहुद्दीन खान, इनका डायरी नंबर है 18137. मोहम्मद हनीफ, इनका डायरी नंबर है 18139. फैजुद्दीन खान, इनका डायरी नंबर है 18142. और मुन्नी सिंह, इनका डायरी नंबर है 18140. तो हम ये तमाम से अपील करते हैं कि और हुकूमत तेलंगाना से भी अपील करते हैं कि जैसा यहाँ पर तेलंगाना एक हम बहुत ही अच्छा तेलंगाना मानते हैं, बट यहाँ पर जो लोग एक भरोसा जो उम्मीद है पुलिस से, जो लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन को जा रहे हैं उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है. तो हम हुकूमत तेलंगाना की पुलिस से और महमूद अली साहब से ये अपील करते हैं कि जो लोग परेशान हैं उन्हें पुलिस सही रिस्पांस नहीं दे रही है. तो हम ये अपील करते हैं कि जो लोग परेशान हैं उनके साथ में आप जो है सो अच्छे से व्यवहार करिए, ताकि ऐसे लोग जो है हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं. तो हम आपसे ये अपील करते हैं कि इनके साथ में इंसाफ करें और ऐसे लोगों को फ्रॉड को पकड़कर जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए. थैंक यू. हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ये एग्रीमेंट पेपर जब बनाया उसके बाद में थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा मजदूर आदमी, लेबर आदमी है, कोई बड़ा वो आदमी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दिए. अब वो एग्रीमेंट की पेमेंट भी कर दिए, लाखों रुपया दिए. पांच लोग हम लोग हैं, सब घर के ही आदमी हैं. अब गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारा ये काम करवा दें. और हम लोग बहुत परेशान हो गए, ऑफिस में जाए तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते. जिसके जरिए से पैसा मंगाए वो भी आदमी मिल नहीं रहा है, बोल रहा है हमारे भाई पीएस है, तुम तो ये कर देंगे वो कर देंगे. मजबूरन हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं. आपको धमकियां मिल रहा है? धमकियां मिल रहा है. हमारा भाई है, आईपीएस है, ये है, वो है, दुनिया का बात कर रहे हैं. और ऑफिस में जाओ तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बोल रहे हमारे पास पैसा नहीं आया, उनको पकड़ो इनको पकड़ो. और ये एग्रीमेंट करके दिए हमारे सब लोगों को एग्रीमेंट करके दिए. अब लॉकडाउन में भी हमसे पैसा लिया गया. और ये लॉकडाउन के करीब करीब ये एग्रीमेंट उसके पास मैं फोन कर रहा सर, तो फोन ने उठाया, मेरा पूरा नंबर बिजी मार दिया है. फिर तो उसके बाद मैं दूसरे से बोल रहा तुम क्या भी केस करो, कुछ केस का मतलब नहीं आपका, ठीक है, मैं दो दिन में बाहर आ जाएगा. मेरा भाई आईपीएस है, दिल्ली में है, ऐसा है वैसा है, इसलिए हम हमारे को ना पीएस को जा सकते सर, ना मैं कोर्ट को जा सकता हूँ, इसलिए मैं मीडिया का सहारा लिया सर. अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारे को मिल सकता है कुछ इंसाफ. तेलंगाना गवर्नमेंट से यह है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए सर. होम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर का नाम, होम मिनिस्टर साहब का तेलंगाना केसीआर से अनुरोध है कि केस को थोड़ा जो भी है थोड़ा सा उठाने का चेष्टा करें. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.